जितने भी मिले हैं समंदर की गहराई में मिले हैं, लाजवाब मोती किनारे पर नहीं मिला करते। देखिए जो स्पेशल होता है ना वो तो स्पेशल ही होता है। कुछ ऐसी ही स्पेशल जोड़ी है यहाँ पर हमारे नताशा और धवल की, ये भी तो हैं बिल्कुल इन मोतियों से अनमोल। तो चलिए इसी बात पर लेकर चलते हैं आपको सीधा पांड्या स्टोर, क्योंकि सुना है यहाँ भी हो रहा है कहानी में बहुत कुछ खास। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में जल्द ही धवल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में दूल्हे राजा हो गए हैं तैयार ब्याह रचाने के लिए, तो वहीं नताशा हो रही है काफी दुखी। देखे तो जरा कैसे वो अपने ही पति की दूसरी शादी में तैयारियां कर रही है और इस बात से वो काफी दुखी हो रही है और बहा रही है आंसू। तो वहीं कहीं ना कहीं धवल को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो किसी और से शादी रचा रहे हैं। ऐसे में धवल को भी नताशा को किसी और के साथ देखकर जलन हो रही है। तो भाई अब शादी में कौन सा ट्विस्ट आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। नताशा किसी और, मेरा भी थोड़ा बहुत जलेसी का चल रहा है अभी, तो किसी और लड़के के साथ देखता हूँ। और फिर वही है, मेरे को चिंता लगी कि अभी तक नताशा क्यों नहीं आई है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ और हमेशा होता हूँ, मतलब प्यार है तो वो तो दिखता ही है ऑब्वियसली। और मैं आ रहा हूँ नताशा के रूम में, दामा और मिट्टू बैठे थे तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार नताशा, अननोइंगली मैं ये कहना चाहता हूँ कि नताशा कहाँ पे है। तो मेरी निगाहें अभी भी नताशा को ढूंढ रही है, ये चल रहा है। और क्या बहुत डिफ़िकल्ट है कि यार अपने ही पति की शादी में मैं ऐसी तैयारियाँ कर रही हूँ, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर उसको नहीं देख पा रहा हूँ किसी और के साथ, वो तो मेरी शादी में मौजूद है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बीतती है बहुत ज़्यादा। तो बट अब क्या करें, अभी करना है, होता ही है ऐसे। तो हाँ वही, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, बहुत बड़ा रीज़न है ना उसके पीछे। एक वर्ड में नहीं दे पाएंगे, तो मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बैक स्टोरी है उसके पीछे क्या। हालाँकि उसके पीछे भी नताशा की अच्छाई ही छुपी, नताशा सही रहे, उसको प्रॉब्लम ना यही छुपा है, और ताकि मूव ऑन करके एक दूसरे के पास वापस ना आ जाए, क्योंकि केओस बहुत ज़्यादा होता है घर में और सारे परिवार खुश रहे, इसीलिए धवल ने सब किया है। नताशा समझ गए ना क्या करना है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या कहना, मैं कहीं पर भी जाऊं? ये सवाल करने का हक तुम खो चुके हो धवल मुखान। I will lost it. पहले तो उसे हक करने दे रही थी, अब इस टाइम पर बाहर जा रही हो, अभी एक बच्चे के बाप के साथ। जो भी थोड़ा बहुत दिमाग था तुम्हारा खराब हो चुका है क्या? He's not a good person. Oh, is it? वो सुहानी, वो बहुत अच्छी है ना? इन सबके बीच में सुहानी कहाँ से आ गई? मुझे सुहानी पसंद है, बहुत सीधी सादी गाय टाइप की लड़की है। अगर मेरे संगीत पर तुम किसी और लड़की को कोने में जाकर उसके ब्लाउज का नॉट बांध रहे होते ना, तो ना तुम्हारा मुंह और मेरे नाखून के निशान थे। फिर मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसे शातिर इंसान की किसी गाय टाइप लड़की से शादी होनी चाहिए। बताओ छोड़ दोगे सुहानी को? हम तो 24/7 पिरोते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की मोती। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।